हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है मेरा बर्थडे व्लॉग, टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। और मेरे चैनल पे आज के वीडियो की सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे चैनल पे ये मेरा पहला बर्थडे व्लॉग है। मैंने 2018 26 नवंबर को चैनल बनाया था और इसके बाद 19, 20, 21 तीन बर्थडे चले गए, लेकिन ये चौथे साल मेरा पहला वीडियो होगा क्योंकि मैं तो कंटिन्यू नहीं हूँ अपने यूट्यूब पर, इसलिए तो या पहला वीडियो है मेरा बर्थडे का। एक मेरी एक एक दोनों फ्रेंड के एक एक बर्थडे का मैंने डाला है, तो ये मेरे बर्थडे का वीडियो है। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी प्लान है कहीं बाहर जाने का बस, क्योंकि पूरे दिन घर तो नहीं बैठ सकते ना। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके थोड़ा इन्जॉय करेंगे, बस यही है बर्थडे, क्या ही है। इतना उसको बताए थे आशना लिखना, तब भी एक ए ज्यादा लिख दिया आशाना, पागल कल का आशना लीजिए। जब दे रहा था ना आशना। हाँ यार सही में गिलाऊं, ऐसा लग रहा है हाँ तुम वीडियो बनाओ, मैं फूंक भी देती हूँ। नहीं नहीं आगे का वीडियो तुम लोग बनाओगी। नहीं नहीं वहाँ पे पता है म्यूजिक थे, कुछ वीडियो नहीं बना पाया यार, इसलिए ऐसे ही टू यू
हैप्पी बर्थडे डियर आशना, हैप्पी बर्थडे टू यू। पोता पोती मत करना ठीक है, अब रख दो, पूरा खाना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हमें खिला दो। वाह व्हाट अ शॉट। नमिता को ऐसा लगा पोज देना था। ये हमारी चल रही है बिरयानी पार्टी। रेस्टोरेंट में खा के पेट नहीं भरा तुम लोग का? नहीं, इसलिए पेट है कि मानता नहीं है। टेस्टी है, आप पहले खाने तो वेज है कि नॉन वेज बताओ। ये गाइस बताएंगे आपको वीडियो देखने। नहीं दिखाते थे अच्छे से, वेज है यार, तुम लोग के चक्कर में भी वेज खाना पड़ रहा है। अच्छा रायता भी अच्छा था ना? पहली बार यूटॉन की बिरयानी खा रहे हैं, वो भी वेजिटेरियन, इन दोनों लड़कियों के चक्कर में अगली बार नॉन वेज खाएंगे। वो अकेले घर में चावल फ्राई करके खाती है। नहीं अकेले खाएगी ये बाली चावल फ्राई करके, ये ना ये सब नहीं खाती है, रास नहीं आती अच्छी चीज, गरीब आदमी है। नॉन वेजिटेरियन अगली बार खाएगी अकेले खाएगी। बिरयानी का कॉन्सेप्ट वेज का था ही नहीं, तुम जैसे लोगों की नीड को पूरा करने के लिए इसमें घास फूस डाल के मटर और कुछ। इसकी खासियत बताइए। फ्लेवर नॉन वेज वाला ही पड़ा है, बस पनीर और सोया चंक्स डाल के इन्होंने इसको वेज बिरयानी का नाम दे दिया। अगर इसमें मटन चिकन रहता तो और जूसी लगता, अच्छा लगता। बस इसलिए आप जब भी इटॉन की बिरयानी खाएँ नॉन वेज खाएँ। क्या कह रही थी कि हम बहुत नीच है, नॉन वेज जानवर को खा जाते हैं। ये नहीं बोला मैंने, ये बोला कि अगर तुम जानवर को मार के खा सकती हो तो तुम्हें सब डाइजेस्ट हो जाएगा, मैंने इतने ही बोला। अच्छा नमिता तुम्हें मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था ना, तुम हम लोगों को ना मार के खा जाओ। पहले चुप सुनो, तुमने बोला कि तुम नॉन वेज पचा सकती हो तो कुछ भी पचा सकती हो। अब नमिता तुम बताओ कि नॉन वेज डाइजेस्ट जल्दी होता है कि लीफी वेजिटेबल? नॉनवेज जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो नॉनवेज खाने वाले को खाना जल्दी पेट जो है छोटा होता है, क्यों होता है? जो इंसान खाया फिर उसको खा ले तो वो दुनिया में कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है। वेज नॉनवेज की बात, दूर रहो, चलो दूर रहो, दूर रहो। है तो हम दूर वेजिटेरियन है तो सपोर्ट तो वही करेंगे। अकेले हो आशना, तो अभी बर्थडे है तो क्या हुआ, लेकिन अकेले हो। पर ज्यादातर ऑडियंस नॉनवेज खाती होगी। खाती होगी ना, है। में पूछना। हाँ, तुम ही बोलो कि बताओ सब लोग कमेंट में। हाँ, बताएगा ही नहीं कोई। वेजिटेरियन अच्छा होता है, वेज चीजें अच्छी होती है कि नॉन वेज अच्छी? हाँ, होती है, ठीक है, लेकिन टेस्टी नॉन वेजिटेरियन चीजें होती है, ये भी सच्चाई है। कौन वेजिटेरियन है कौन नॉन वेजिटेरियन, ये भी कमेंट करके बताइए। चलो फाइनली अपनी बर्थडे पार्टी करके घर आ गई मैं, और बाहर चली जाओ किसी दिन तो बहुत थकान हो जाती है, लेकिन मज़ा आया। और मैं ऐसे बन ठन के पैक होके गई थी घर आते हुए, पहले तुरंत अनपैक हुई क्योंकि आपके बाहर से आओ तो वैसे भी मुंह बिना धुले ऐसे रह नहीं जाता। और मैंने अपनी फ्रेंड के बर्थडे में ज़्यादा अच्छे से ब्लॉग कर लिया था, अपने में उतना अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि अपने में बहुत ऐसे बिजी थे, बहुत सारा सामान हाथ पे कैरी करना, फ़ोन पर्स में रखना, उसके बाद बार बार निकालना, उतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो उतना अच्छा वीडियो नहीं बनाया। बट जो भी है प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वेज नॉन वेज वाली बात पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे गिफ्ट क्या मिला वो मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। काहे का नेक्स्ट ब्लॉग, इसी ब्लॉग में गिफ्ट दिखाएंगे। कोई अगला ब्लॉग मेरे गिफ्ट को देखने के लिए थोड़ा देखेगा, तो ये गिफ्ट है, दूसरा गिफ्ट मैं फट से लेके आती हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे शॉर्ट दिया, नमिता।
अच्छी है ना, शॉर्ट है, यहाँ से कमर पे बांधने के लिए ना, और ये मेरी उस ग्रीन जीन्स बहुत अच्छी लगेगी, और उसको जब पहनेंगे तब दिखाएंगे, क्योंकि अभी ब्लॉग के लिए तो पहन नहीं सकते सुबह से। ये दिया है मेरी प्यारी सुधा ने, बहुत मेहनत से बेचारी ने पैक किया, प्यार से हर कोई गिफ्ट देता है पर कोई पैक कर देता है तो उसका प्यार थोड़ा से ज़्यादा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ इतनी मेहनत की मेरे लिए, इसे कट करके तो मुझे लग ही रहा था ये बैग है मेरा अंदाजा सही नहीं है। नाइस कलर, ये सिंबल थोड़ा थोड़ा गुच्छी वाला है, दोनों उधर को होता तो थोड़ा लगता भी, बट आई लाइक इट क्योंकि इस डिज़ाइन में मेरे पास नहीं था, और ये ऐसे टांगने के लिए, ये कहाँ आएगा मेरे, कहीं नहीं आएगा, मेरी बिटिया होगी ना मैं उसको दूँगी इतना छोटा नहीं, यहाँ से लंबा होगा, अभी वो देखेगी वीडियो ना तो कहेगी गवार तुम, बड़ा करके दिखाते हैं, हाँ यार मुझे हो जाएगा अभी मैं सोची ये बैग्स तो बड़े आते हैं कैसे, मेरे वाला इतना छोटा निकल गया, लेकिन अभी भी मुझे छोटा है, इतनी लंबी हूँ क्या, दिखते तो नहीं इतने लंबे, ये छोटा सा पिकनिक पे पहले हम जाते थे तो एक छोटे बैग चाहिए होते, तभी ऐसे बैग आते नहीं थे, 5 रुपये की फ्रूटी, 5 रुपये वाला लेस चिप्स, उसके लिए बैग बहुत सही था, एक जिप, दूसरे जिप, इसमें पानी की बॉटल आ सकती है, और इसमें भी पानी की बॉटल, चिप्स आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सुधा अगेन वीडियो के थ्रू, तो मेरी दो फ्रेंड है तो दो ही गिफ्ट हैं, बाकी घर वाले सब मुझे कैश देते हैं, कैश से ही तो असली ऐश होती है तो ये था गिफ्ट, गिफ्ट दिखा दिया, बर्थडे दिखा दिया, वीडियो अब तो लाइक कर दो, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप नेक्स्ट व्लॉग अच्छा हो, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगी जब वीडियो बना लूँगी तब, अभी नहीं।